सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीड मूवी के बारे में, जिसे लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको ये पता है कि रॉकी बेलबॉय की सीरीज अभी भी कंटिन्यू है, जिसका एक एग्जांपल है ग्रीड। तो अब इसके सेकंड पार्ट को भी कंफर्म कर दिया गया है और इसके सेकंड पार्ट की रिलीज डेट है 21 नवंबर 2018। जी हाँ, ये इसकी ऑफिशियली रिलीज डेट है। और साथ ही साथ इस फिल्म में हमें माइकल बी जॉर्डन और हमारे रॉकी बेलबॉय यानी सिल्वेस्टर स्टेलोन फिर से नजर आने वाले है। साथ ही साथ इसके फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट किया था रयान कॉर्गिल ने, जिन्होंने अब डायरेक्ट की है ब्लैक पैंथर मूवी। तो कहा ये जा रहा है कि अब ग्रीड 2 को डायरेक्ट सिल्वेस्टर स्टेलोन खुद करने वाले हैं। और क्या आपको ये पता है कि ग्रीड मूवी की स्टोरी सिल्वेस्टर स्टेलोन ने ही लिखी है, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट रॉकी फिल्म की सभी स्टोरी उन्होंने ही लिखी है। और कुछ रूमर ये है कि इस फिल्म में हमें इवान डार्गो फिर से नजर आने वाले है, यानी हमारे डॉल्फ लॉन्ग्री, वो इस फिल्म में फिर से रिटर्न आने वाले है एज इवान डार्गो के रोल में। अब ये सिर्फ एक रूमर है, मैं इस पे कन्फर्मेशन नहीं दे सकता कि वो भी इस फिल्म में होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसका फर्स्ट पार्ट हिंदी में नहीं आया था, लेकिन वो फिल्म काफी अच्छी थी और उस फिल्म की स्टोरी काफी सिंपल थी। तो जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती, वो भी उस फिल्म को देखेंगे तो वो फिल्म उन्हें इजीली समझ आ जाएगी। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।